फर्स्ट टाइम पे थे? हाँ भाभी। बा को वो खिड़की वाली सीट दिलवा देने आपने? हाँ भाभी, बा बापू जी को पीने का पानी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स के पैकेट सब कुछ दे दिया है। आप टेंशन मत लो के? बस नानी जी जल्दी से ठीक हो जाए तो बा बापू जी फटाफट लौट आए। क्या भाभी, अब तक वो लोग वहाँ पहुँचे भी नहीं और आप उनके लौटने का इंतजार करने लग गई। जब समय कम होता है ना डोली बहन, तो इंतजार और भी बढ़ जाता है। इसलिए आपने हमें भी यहाँ रहने के लिए बुला लिया? हाँ, जितना थोड़ा समय बचा है ना उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी यादें समेट के जाना चाहती हूँ। आप दोनों यहाँ रहेंगे तो अच्छा लगेगा, बना बा और बापू जी के बिना घर घर नहीं लगता। और आपके बिना भी ये घर घर नहीं लगेगा। दो दिन हाथ से कैसे फिसल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। भाभी, हम सब आपके बिना कैसे रहेंगे? ऐसे क्यों बोल रहे हो मम्मा? मामी कहाँ जा रही हैं? अपनी मम्मा के घर फॉरएवर। तुम चिंता मत करो मीनू बेटा, अगर तुम्हारी मामी चली जाएगी तो उनकी जगह मैं आ जाऊंगी। And we'll have lots of fun. मम्मा, पाकी दीदी की बेस्टी सच बोल रही है, मामी फॉरएवर के लिए जा रही है। आप भी तो अपने मॉम के घर रहने आते हो ना, बट आप फॉरएवर के लिए थोड़ी आते हो तो मामी क्यों जाएंगी? मामी प्लीज डोंट गो, मत जाओ मामी प्लीज। मीनू बेटा डोंट वरी, मैंने कहा ना तुम्हारी मामी की जगह मैं आ जाऊंगी, हम बहुत मस्ती करेंगे, ट्रस्ट मी। ओ जस्ट शट अप डोली बेन। तुम जाओ ना यहाँ से काव्या। ए मिनुड़ी, तू जब मामी के घर पे आती है तो तुझे अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी तुझे शाम को मम्मी की याद आती है ना? हाँ, फिर तो कहती मैं मम्मी के पास जाऊंगी, तो वैसे ही मुझे भी मेरी मम्मी की याद आ रही है, तो मुझे भी मेरी मम्मी के पास जाके रहना। पर मामी आप तो बड़े हो ना, और बड़े लोग अपनी मम्मी के साथ नहीं रहते। मीनू बेटा, तुम एक काम करो, अंदर जाकर पाखी दीदी के साथ खेलो, ओके? इस औरत को इतनी भी अक्ल नहीं है कि बच्चों के सामने कैसी बातें की जाती है, और आपकी जगह लेने के सपने देख रही है। छोड़िए ना डोली बेन, क्यों मन खराब करती है, छोड़िए। अरे मूड तो इसकी शक्ल देखकर खराब हो जाता है, आप मन की बात कर रही हैं। डोली बेन, बस दो दिन बचे हैं, शांति से बिताते हैं ना? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिलाती हूँ। चलिए। डोली बेन, आप ये जरा भी मत सोचिएगा कि मेरे जाने के बाद आप मीनू को कहाँ छोड़कर जाएंगे। आप उसे मेरे मायके में छोड़ सकती हैं। नहीं नहीं भाभी, यू डोंट वरी, मैं कोई आया ढूंढ लूंगी। आया? कोई जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए मेरी मीनू को आया संभालेगी? भाभी वहां सबको प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल नहीं होगी। पर भाभी, पराय मत कीजिए ना डोली बेन, मीनू पे मेरा भी हक है। बचपन से इतनी छोटी सी थी तब से मैंने संभाला है, उसी हक से कह रही हूँ कि मीनू को मैं ही संभालूंगी। आप उसे मेरे पास छोड़ जाया कीजिएगा, वहां पर निहार भी है तो दोनों आपस में खेलते रहेंगे, मन लगा रहेगा। ठीक है भाभी, थैंक यू सो मच भाभी, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। सच कहूं तो मुझे मीनू की बहुत चिंता हो रही थी, आपसे अच्छा उसे कोई नहीं संभाल सकता, और आपके सिवा उसे कोई चाहिए भी नहीं। मीनू मेरी जिम्मेदारी थी और रहेगी, मैं धूप देकर आती हूं।
तो जानते हो कान्हा जी कि भाभी के बिना इस घर को कोई नहीं संभाल सकता। अगर भाभी इस घर से चली गई तो ये घर बिखर जाएगा। प्लीज प्लीज कोई चमत्कार कीजिए और भाभी को इस घर से जाने से रोक लीजिए। विंटर, विंटर जल्दी आ। स्वीटी, क्या हुआ? हम कर्फ्यू के बावजूद शहर में हिंसा भड़क गई है। जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ओह गॉड, ये प्रॉब्लम तो बढ़ती जा रही है। थैंक गॉड मम्मी पापा सेफली आ गए थे और तू भी। उल्टू डर बात तो नानी के यहाँ गए। आई जस्ट होप उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। हालात की नजाकत को देखते हुए सरकार ने शहर में धारा 144 लगा दी है और कुछ दिनों तक सभी स्कूल कॉलेज दफ्तर बंद रखने का आदेश दिया है। विंटर तूने सुना? गवर्नमेंट ऑफिसेस बंद रहेंगे। हाँ तो? अरे तो क्या, मम्मी पापा को कोर्ट जाना था ना फॉर डिवोर्स। अब कोर्ट ही बंद है तो डिवोर्स नहीं होगा, एटलीस्ट फॉर नाउ। क्या हुआ, तू खुश नहीं है? बैंडेड जितना धीरे धीरे खींचे दर्द उतना ज्यादा होता है स्वीटी। I just want ये मैस एक बार में क्लियर हो जाए। कि डिवोर्स जितना ज्यादा खींचेगा मम्मी को उतनी ज्यादा तकलीफ होगी स्वीटी। विंटर तू इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा है? ये सोचना कि मम्मी हमारे साथ और टाइम स्पेंड कर पाएंगी। स्वीटी तू फिर अपने बारे में सोच रही है और मैं मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। स्वीटी मम्मी ने अपने आप को इस घर से जाने के लिए प्रिपेयर कर लिया है और कहीं ना कहीं हमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि दो दिन में मम्मी चली जाएगी। ये डिवोर्स अगर डिले हुआ तो फिर से ये। विंटर मम्मी कहती है जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी हो सकता है कुछ अच्छा हो। मैं बा को बताती हूँ। ये अभी तक क्यों नहीं उठे? इनके कसरत करने का टाइम भी हो गया, इतनी देर तक कैसे सो रहे हैं? दिस इज द हाउस। मुझे अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, हर जगह अपना एड्रेस चेंज करवाना है। उसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। क्या आप इस घर पे रहते हो कि नहीं? डोंट वरी, आई एम श्योर मैरिज सर्टिफिकेट काफी होगा। और हाँ, मुझे इस घर का इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ चेंज करवाना है। मैं आपको रेफरेंस पिक्स मेल कर दूंगी, आप मुझे अपना कोटेशन सेंड कर दीजिएगा। ओके मैम। सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हें किचन कितना प्यारा है, तुम्हारी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ से। मगर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी यादों को भी ये घर छोड़ना होगा। And you know what? जब मैं इस घर में शिफ्ट होंगी ना, तो मैं सबसे पहले यहाँ का किचन चेंज करूंगी। आई डोंट लाइक दिस ओल्ड स्कूल बोरिंग सॉर्ट ऑफ किचन। मुझे तो मॉडर्न किचन चाहिए और मैं बनाऊंगी। जो मन में आए कर लेना, लेकिन सबसे पहले इस परिवार वालों के दिल में जगह बना लेना। दिल में नहीं रह पाई तो घर में भी नहीं रह पाओगी। कॉफी? कॉफी? तुम मुझे कॉफी ऑफर कर रही हो? हाँ, तुम्हें मेरे हाथ की कॉफी पसंद है ना? बाद में क्या पता तुम्हें मौका मिले नहीं मिले मेरे हाथ की कॉफी पीने का। और फिर जब कुछ दिनों बाद मैं इस घर में आऊंगी तो मेहमान बनकर आऊंगी, तब तुम्हें मुझे चाय पिलानी पड़ेगी, तो कॉफी। वैसे लोग सही कहते हैं कि दिया बुझने से पहले आखिरी बार बहुत फड़फड़ाता है। तुम्हारा भी कुछ वही हाल है। ठीक है, तुम्हारे इस घर से जाने से पहले आखिरी कॉफी तो पीनी पड़ेगी। लो। नाइस, जस्ट लाइक माय फ्यूचर। मग बाद में लौटा दूंगी।